हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तोरी की बहुत ही स्वादिष्ट और आसान सी सब्जी की रेसिपी। और इसे बनाने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है। इसमें डाल लेते हैं तेल, और यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 1 सूखी लाल मिर्च, और साथ में इसमें डाल देंगे 3 से 4 पिंच के करीब हींग। इसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े प्याज, प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज यहाँ पर हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर। साथ में आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पर हल्दी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मिला देंगे इसे, और मिलाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ तोरी। तो 1 किलो के करीब ये तोरी ली है मैंने, और इसे भी मिला देंगे। इसके साथ ही इसमें मैं 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। साथ में नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार, मिला देंगे। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया है, और इसे अब कवर करके पकाएंगे जब तक कि हमारी सब्जी गल नहीं जाती। और इसे बीच बीच में इसे हम 2 से 3 बार चला लेंगे, और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। सब्जी को बीच बीच में चला लेंगे। और दोबारा से मैं इसे कवर कर रही हूँ। सब्जी को स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से मैश करते भी जाएंगे, और जैसे जैसे सब्जी पक रही है वो अपना पानी छोड़ती जा रही है। सब्जी को मैंने हल्का हल्का मैश कर लिया है, और इसका काफ़ी सारा पानी है ड्राई हो गया है। तो आप चाहें तो सब्जी को ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर इसे थोड़ा और ड्राई कर सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो तैयार है हमारी ये तोरी की सब्जी। लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये तोरी की सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और बहुत ही कम मसालों से बनती है। तो अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। कमेंट करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।